क्या यश के बर्थडे पर होगी मूवी रिलीज? कितनी भाषा में होगी रिलीज? कौन सा एक्शन स्टंट रहा मुश्किल और क्यों आ रहा है केटीएफ चैप्टर 2? कैसे सीन देखने को मिलेंगे ज्यादा? बुरा कौन, डायरेक्टर या हीरो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। और आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। आज हर किसी के जुबा पर बस एक ही नाम सुनने को मिलता है, केजीएफ 2। लेकिन किसी को नहीं पता मूवी कब आएगी और अपने पिटारे में क्या लाएगी। जैसे कि फिल्म के हीरो की बात की जाए तो ये एक ऐसा सुपरस्टार है जो ना सिर्फ मूवी में बल्कि मूवी के बाहर भी लोगों के चहेते हैं। उनके फैंस सोशल मीडिया पर उनकी पोस्टिंग का ऐसे इंतजार करते हैं जैसे 12th के स्टूडेंट कट ऑफ लिस्ट का। और भाई हो भी क्यों ना, उन्होंने केजीएफ से ऐसी जबरदस्त पहचान बनाई कि अब बच्चा बच्चा भी उनका दीवाना है। पर एक बात है जो उनकी सबसे बुरी है, जो वो लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। और पहले ही कोरोना की वजह से मूवी की रिलीज डेट बहुत देर हो गई है और अब भी मूवी की डेट आई नहीं। आज तो सनी देओल का डायलॉग याद आ गया, जज साहब तारीख पर तारीख। अरे यश साहब, हमें इतना भी मीठा फल नहीं चाहिए, कृपया मूवी जल्दी रिलीज कराएं। आखिर हम भी थक गए हैं केजीएफ की वीडियो बनाते बनाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि केजीएफ 2 भी यश के बर्थडे पर रिलीज हो जैसे पहले केजीएफ 1 हुई थी? वैसा ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब पोस्टर बर्थडे पर रिलीज हो रहे हैं तो मूवी क्यों नहीं। मूवी के रिलीज डेट का तो पता नहीं, बस हमें अपने सूत्रों से इतना पता चला कि मूवी साल में हफ्ते के किसी एक दिन को रिलीज हो सकती है। कुछ समझे? सबकी पसंद और मूवी की लोकप्रियता को देखते हुए ये मूवी सिर्फ कन्नड़ ही नहीं बल्कि अलग अलग भाषाओं में भी, कन्नड़ सहित 3 भाषा तेलुगु, मलयालम, हिंदी और 2 इंटरनेशनल भाषाओं जैसे चीन और जापानी में भी रिलीज होगी। आपको क्या लगता है, क्या डायरेक्टर जानबूझ चीनी भाषा में भी मूवी रिलीज कर रहे हैं ताकि चीन को दिखा पाए तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी भारत रुका नहीं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके बताएं। वैसे यश तो काफी मजे के हीरो हैं और कलाकारी में भी काफी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन कई बार ऐसे खिलाड़ी भी अनाड़ी बन जाते हैं। ऐसे बहुत कुछ यश ने केजीएफ 2 के दौरान महसूस किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं केजीएफ 2 काफी ज्यादा एक्शन वाली होने वाली है, तो जिसका खामियाजा यश की शूटिंग के दौरान भुगतना पड़ा, क्योंकि मूवी में पहले से ज़्यादा लड़ाई के सीन्स हैं और जिससे उन्हें काफ़ी चोट भी आई, जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान मीडिया को बताया। पर अब ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी में ये सब तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। यश के 250 करोड़ से 300 करोड़ की चोटों को शायद अब अच्छे से भर पाएंगे। आपको क्या लगता है, सच में ऐसा हुआ होगा या फिर सिर्फ एक अफवाह है? लिखिए, भेजें और हमें अपने कमेंट में। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, केजीएफ 1 देखा भी है तुम सबने या फिर यूं ही चैप्टर 2 का शोर मचा रहे हो? क्योंकि जिन्होंने देखा है वो शांति से बस इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिरयानी जितनी ज़्यादा वक्त लेती है पकने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। लेकिन इसके साथ हम कहेंगे, डायरेक्टर साहब देखना कहीं बिरयानी जल ना जाए, केजीएफ 2 को देखने के लिए लोग भूखे बैठे हैं कि मूवी आए तो हम चिप्स का पैकेट खोलें। केजीएफ ऐसे कहानी छोड़कर गई जो कोई भी आगे जारी रखना चाहेगा। मूवी में पहले से ज़्यादा एक्शन सीन्स होने वाले हैं, पर देखना ये है कि कब और कितना रुलाती है मूवी का चैप्टर 2, या फिर बस एक्शन ही दिखने को मिलेगा। और खैर, जहाँ इतने उम्दा कलाकार पिच पर हों और छक्के चौके ना पड़े, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। इन सब बातों को परे रख कर हम यही कहना चाहेंगे कि ये सब बातें मूवी में देखने के बाद ही पता चलेगी। हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि मूवी जल्द से जल्द देखने को मिले और सबके सवालों के जवाब उन्हें जल्द से जल्द मिले। तब तक आप देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़ पर। हम फिर मिलेंगे जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ, और तब तक हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और खुश रहिए और भूलिए मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जब तक मूवी नहीं आ रही तब तक हम तो केजीएफ पे वीडियो बनाने ही वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो की स्क्रिप्ट मनीषा जैन ने लिखी है।